सो हेलो फैमिली, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू वीडियो। और अभी हो रखा है 8 o'clock। तो अभी मैं एक्चुअली निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए, आज दिखाना है। ठीक है, अबे ठीक नहीं हो रही यार, कितने डॉक्टर बदल दिए, किसी ने एक और डॉक्टर बता रखा है, तो आज इधर होके आता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे GoPro पे। शीशे भी इतने गंदे हो गए ना, क्या ही बताऊँ यार। देख रहे हो ये एक तो हिलता बहुत है ना, शीशा वाइब्रेट करते हैं बहुत तगड़े भाई। बट गाइस, अभी निकल चुका हूँ यहाँ से सीधे हॉस्पिटल के लिए। वैसे मैंने नंबर लगाने के लिए तो बोला है, और महादेव की कृपा रही तो देखो फटाफट नंबर आ जाएगा, और देखते हैं फिर क्या ही होता है ना। एक तो भाई ट्रैफिक रहता है ना तगड़ा यहाँ से यार, गलियों से निकलने का शॉर्ट तो है, बट क्या ना यहाँ फंस जाता आदमी। मेन हाईवे हमेशा ट्राई करता हूँ कि जल्दी से अपना काम हो जाए। और बड़े दिनों बाद आप लोग फिर से ब्लॉग देख रहे होंगे मेरा, मोटो ब्लॉग। ठीक है, 2-3 दिन से बहुत तगड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर लास्ट ब्लॉग मैंने कल वाला डाला था होटल का, और ऐसी व्यस्तता भी चल रही थी, स्टाफ भी छुट्टी में था, तो थोड़ा सा हो गई व्यस्तता। ऐसी रहता है यार लाइफ में ना, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और आज मामा की लड़की की शादी भी है उधर, तो वहाँ भी नहीं जा पाया मैं भाई, वहाँ से भी निमंत्रण था। प्रिंस भाई बोलेगा यार भाई आया ही नहीं अब, और मामा श्री भी बोलेंगे आए नहीं, मामा श्री ने स्पेशली कार्ड दिया था, आना आना भाई आना। बताओ यार ऐसी हो जाता है भाई, क्या करें। ट्रैफिक दिख रहा है आपको मॉर्निंग में, आप लोग ट्रैफिक देख रहे हो कितना तगड़ा है भाई नैनीताल हाईवे पे। ओए ओए, दिन में ऐसे हाल हो जा रहे हैं ना भाई, यहाँ पूछो मत। ये देखो भाई पुलिस वाले जा रहे हैं, अपना मस्त चला है बिल्कुल बात करते हुए फ़ोन में, और हम फ़ोन में बात कर लेंगे चालान काट देंगे। यह होता है मिसयूज ऑफ पावर भाई, सत्ता का मिसयूज, सत्ता का मतलब पावर का वो क्या कहते हैं दुरुपयोग। तो यहाँ से ले लेते ठंडी सड़क, एक्चुअली वो बता रहे थे कहीं बॉम्बे हॉस्पिटल के आसपास है, तो मे भी ठंडी सड़क में अगर ट्रैफिक ना हो तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से गोल चक्कर से लेते हैं, ऐसे रोड में गाड़ी चलाने में और ही मज़ा आता है भाई। गजब भाई ये रोड बन गई भाई, इसमें तो बीच में खड्डे खड्डे थे ठंडी सड़क में। ठंडी सड़क में एक चीज़ अच्छी लगती है हल्द्वानी की, एक्चुअली यहाँ पे पेड़ है ना अच्छे खासे, तो छाया बनी रहती है और कुछ नहीं है, इसीलिए इसका नाम है ठंडी सड़क। बॉम्बे हॉस्पिटल तो ये रहा भाई। ठीक है, आप पूछना पड़ेगा कि किधर इच है, किधर इच। इधर मंगल सेल हो गया अपना, इधर तक तो मैं आया हूँ, बट यहाँ से कौन से उधर है पूछना पड़ेगा किसी से। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछते हैं किसी से यार। राइट हैंड को गली गई है, पूछते हैं। भैया ये लोहनी क्लिनिक कहाँ पे है, लोहनी क्लिनिक इसमें नीचे। मेरा आइडिया सही था कि राइट हैंड को होगा, बताया तो था। सो गाइस, अभी मैंने टेस्ट दे दिए हैं, 2-3 टेस्ट होने हैं, अभी 1-2 घंटा वहाँ लगेगा, तो तब तक थोड़ा अपना और काम निपटा लेते हैं। और धूप लग रही है एकदम कैड़ी वाली, हालत ख़राब हो रही भाई। सुबह सुबह भाई 11 बजे इतनी तगड़ी धूप, कुछ कहना नहीं आ रहा है धूप देख के, है ना।
अरे हाय क्या तगड़ी धूप है भाई, और ट्रैफिक देख लो सही में ना, ऐसी लू आ रही ना क्या ही बताऊं यार, बड़ी तगड़ी लू आ रही भाई। ओए होए सच में भाई हालत डाउन हो रही है। अभी मैं आया था शोरूम पे, एक्चुअली मैंने गाड़ी का क्लच वाला चेक करवाना था। एक तो मेरी हो रही सर दर्द, मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, मैंने बनाया भी नहीं। अभी मैं वापस चलने लग गया, मतलब इतना गर्म हो रहा ना भाई, बहुत ही यार तगड़ा। गाड़ी को मतलब ज़्यादा भगाने में भी डर लग रही है अब तो। ओए ओए भाई गर्मी लग रही है, ऐसा करके ढक लो इनको ना, कपड़े से थोड़ा बचेंगे हाथ। सो ऑलराइट गाइस, ये आ चुकी है रिपोर्ट्स और 15 दिन की दवा। तो फ़िलहाल मैंने 5 डेज की ले ली है, ठीक है। 15 दिन की दवा खाने की हिम्मत नहीं है भाई, 3-4 हज़ार की दवाइयाँ आ रही, पैसे कहाँ से आएंगे इतने, पैसे कहाँ से आएंगे भाई। यार रब्बा मेरे भाई, धूप क्या कैड़ी लग रही है सच में ना, ज़िंदगी झंड हो चुकी है भाई। स्ट्रेस 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 है ज़िंदगी में, अब तो जीने का मन भी नहीं करता, बस अब तो यमराज से मुलाकात हो जाए। वो कहते हैं ना, हमने अपने भी देखे सपने भी देखे वाला हिसाब हो गया, पराए भी देखे सब देख लिए, अब दुनिया समझ ली वाला हिसाब हो गया भाई। वो वाली एक कहावत थी ना, लोग कहते हैं कि बंद कमरे में क्यों लटक जाते हैं पंखे से, एहसास होता है भाई क्या आप गुजरती होगी लोगों पे, है ना। देखो इनको पूरी रोड घेर के चल रहे हैं भाई, ठंडी सड़क से निकल आया मैं वापसी भी, क्योंकि थोड़ा बीच बीच में पेड़ है ना, बस यही बेनिफिट है। आगे अंकल चला रहे हैं, लेडीज चला रही भाई स्कूटी, अच्छा उससे तो बच के रहना पड़ेगा। ये देखो कैसे बातें चल रही, दो दो फोन चल रहे हैं वहाँ। आप लोग भाई एक चीज़ बताना, आप लोग को ना विंटर पे राइड करना अच्छा लगता है, बरसात पे या फिर गर्मी पे, ठीक है। ये भाई यहाँ पर बहुत टाइम से गड्ढा पड़ा था, पहले बोर्ड लगाया था, बोर्ड भी हटा दिया, गड्ढा वैसे ही है। मतलब बताओ यार क्या प्रशासन देखता है, समझ में नहीं आता भाई, कितने लोग गिर गए हैं वहाँ पर, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर रात को गड्ढे में। जैसे ही जाएगा बाइक का टायर, बाइक तो गिर जानी है, पर चलो बड़ी गाड़ी तो एक पल के लिए संभल सकती है, छोटी गाड़ी नहीं संभलती ना। ओहो गर्मी 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 गर्मी, ये देखो यार। हो जाता है यार, कभी हमसे भी होता है ना।